लास्ट टाइम कैपेसिटर से शुरू किया था हमने. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि स्टोरेज की ज़रूरत है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस किसी भी बॉडी की अगर निकालनी है तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि अगर कैपेसिटेंस किसी बॉडी की निकालनी है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले एक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किया. वैसे कैपेसिटेंस क्यू बाय वी का फॉर्मूला फॉलो करती है, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप कम जगह पे ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाना चाहते हो, कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक पैरेलल प्लेट के पैरेलल या एक प्लेट के पैरेलल एक और प्लेट को जाए जो न्यूट्रल है और इस पोर्शन को अर्थ कर दिया जाए ताकि इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए और C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से कैपेसिटी बढ़ जाए. तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने ये डिस्कस किया कि आज के बाद जो कैपेसिटर बनेगा वो एक सिंगल प्लेट का नहीं बनेगा, उसके सामने एक और पैरेलल प्लेट रखी जाएगी जिसकी जो कि एग्जिस्टिंग या ओरिजिनल प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करके कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा. सिंबल कैपेसिटर का किया और फिर हमने कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एक प्लेट है जिसका एरिया ए और चार्ज क्यू है. इसके पैरेलल में एक और प्लेट है जो कि अर्थ है. बाइंडक्शन या चार्ज माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, डिस्टेंस अपार्ट है. हमने इसका प्रूफ किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है एप्सिलॉन डी, ये इसका फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपने इसको याद करना है. जितनी बड़ी प्लेट, जितना बड़ा प्लेट का एरिया होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी और डी जितना छोटा होगा कैपेसिटी उतनी बड़ी होगी. सी का फॉर्मूला भी क्लियर है. फिर एक सजेशन आया कि अगर आप कम जगह पे ज्यादा कैपेसिटी करना चाहते हो तो आप एक कंडक्टर को इसके बीच में डाल दो, इसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो बोला कैसे, बिना कैपेसिटेंस के ये फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस कंडक्टर के साथ ये फॉर्मूला था. कंडक्टर डालने के बाद C का ये फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका शॉर्टकट बताया था कि अगर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है उसको D माइनस T से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो उसको T से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. उस पोटेंशियल डिफरेंस को Q से नीचे डिवाइड करो तो कैपेसिटी का ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T था. तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मान लो एक कंडक्टिंग स्लैब को बीच में रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी. पूरा का पूरा कंडक्टर फिट इन नहीं करना, नहीं तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा. तो ये लास्ट फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था. अब एक और सजेशन आया कि अगर आप बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहते हो तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब की बजाय एक डाइलेक्ट्रिक डाल दो, एक इंसुलेटिंग स्लैब डाल दो, कंडक्टिंग स्लैब वाले रिजल्ट से भी ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी. तो मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ. जब मैंने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या डाला, एक कंडक्टिंग स्लैब की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला. अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूँ कैपेसिटेंस का, तो मेरे को पहले स्टडी करना पड़ेगा व्हाट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल और डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव कैसे करता है, तभी मैं इसको समझ पाऊंगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा. कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो हमें ऑलरेडी पता ही होती है. तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी को मैंने, हालांकि जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर मैंने बताया था, तो अब हम बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की बजाय क्या करेंगे, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो अगर आप एक और बढ़िया कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो पहले आपको डाइलेक्ट्रिक मटीरियल के बारे में पता होना चाहिए, तब आप कैपेसिटेंस बना पाओगे. डाइलेक्ट्रिक मटीरियल एक इंसुलेटर मटीरियल है. डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एक इंसुलेटर मटीरियल मैंने बताया, तो इसने डिफरेंस बताया कि अगर ये कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक है इनका क्या बिहेवियर होगा. अगर आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इनका बिहेवियर क्या होगा, ये आपको इस एक्सप्रेशन में बताया गया है. ठीक, देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
एक कंडक्टर से ऐसे डिफरेंट है कि अगर सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की हेल्प से बनाया, और बीच में मैंने क्या रख दिया, एक कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लस, ये लो। बीच में बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना चार्ज रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमने किया, और हमने ये भी किया कि अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है तो बाय इंडक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ही प्रोड्यूस होगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू। ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब अगर ये स्लैब को चेंज कर दें और डाइलेक्ट्रिक कर दें, तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है और चार्ज इसमें कंडक्ट तो हो नहीं सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि यहां के इलेक्ट्रॉन भाग गए और इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये तो होने वाला है नहीं, मूवमेंट तो है ही नहीं ना चार्ज की बिल्कुल भी, तो इंडक्शन की प्रॉपर्टी तो इसमें लगने वाली नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए आपको एक और पॉइंट पहले समझना पड़ेगा कि ये एटम है। एटम भी अलग अलग मटेरियल के अलग 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 टाइप के होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक ये एटम है जिसका इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज, और सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस प्लस के आसपास, और अगर हम एक 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 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, तो ऐसे एटम को आप बोलते हैं दिस इज अ नॉन पोलर नॉन पोलर एटम। लेकिन अगर बाय नेचर, मतलब मैंने नहीं किया कुछ भी, बाय नेचर किसी का एटम ही ऐसा दिखे आपको कि दोनों के प्लस और माइनस में कुछ डिफरेंस है, प्लस और माइनस एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करता, प्लस अलग है थोड़ा माइनस अलग है, तो उसकी शेप नॉर्मल एटम से थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। आपने वाटर मॉलिक्यूल और केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ते होंगे, ऐसा क्यों होता है, आसपास के एटम भी इसको खराब कर देते हैं। तो इन एनी केस अगर एटम बाय नेचर ऐसा है तो प्लस और माइनस के बीच में स्पेसिंग है, इसका अपना डायपोल मोमेंट भी है, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ऐसे को एटम को क्या बोला जाता है, दिस इज पोलर एटम, तो इसकी पोलैरिटी है। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, बाय नेचर ही पोलर है, और कुछ ऐसे एटम है जो कि बाय नेचर नॉन पोलर है। बट इन एनी केस चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये एटम जो कि पहले मैंने बोला था ये नॉन पोलर है, प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, और इसको अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं कुछ इस तरीके से, तो ये एटम थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे आप देखेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। तो आप देखेंगे कि ये एटम जो कि नॉन पोलर था पहले, अब ये क्या बन गया, पोलर बन गया। तो ये प्रोसेस जिसमें नॉन पोलर को हम पोलर बना देते हैं, और पहले वो था नॉन पोलर लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के पोलर बना दिया, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो एटम में चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन निकल के भागा नहीं उधर, बस ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, एटम की शेप चेंज हो गई, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ पोलराइजेशन का प्रोसेस ही चलता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं सेम एग्जांपल लूं, जैसे सपोज करो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया प्लस, एंड दिस इज सपोज माइनस, एंड दिस इज अ मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इसके बीच में रख दिया। अब जब मैंने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इंसुलेटर में कि भाग के नेगेटिव इधर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर जो भी एटम्स हैं, मान लो ये एटम्स हैं इसके, ये आपको दिखेंगे पोलराइज हो जाएंगे थोड़ी देर में। पोलराइजेशन का मतलब है कि ये इस तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस, और ये लो ऐसा हो जाएगा। तो एटम के ऊपर कुछ असर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ही ऑब्वियसली, तो एटम पोलर था या नॉन पोलर था, लेकिन फाइनली तो ये पोलर बन ही जाएगा, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगी।
अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या अप्लाई किया, ई नॉट अप्लाई किया मान लो, बाहर तो आपने ई नॉट अप्लाई किया था, लेकिन आप एक चीज मानो कि सारे नेगेटिव 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 इस तरफ आ गए और यहां से सारा पॉजिटिव 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 इस तरफ आ गया। अंदर के भी बहुत सारे एटम होंगे, पर अंदर के एटम तो अंदर ही रह गए क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं चार्ज की। बट अगर मैं 1 मिनट के लिए ड्रॉ करूं एक डायग्राम जिसमें सिर्फ ये एटम को नहीं दिखा रहा मैं, सिर्फ इन सबके जो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव आपको दिख रहे थे, लेफ्ट के नेगेटिव बस, तो उसको अगर मैं ये एटम को हटा के सिर्फ यहाँ का जो नेगेटिव है मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ये नेगेटिव है, और यहाँ का जो पॉजिटिव था मैं शो कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ये रहा। दिखाने के लिए एटम नहीं दिखाए मैंने, बट एक्चुअल में वो एटम पोलराइज हो गए, लेफ्ट जो माइनस था वो दिखा दिया, राइट का प्लस सिर्फ वो दिखा दिया, बीच में कुछ नहीं दिखाया मैंने आपको। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डायग्राम देखने में ये और ये सेम लग रहा है, ये देखने में सेम लग रहा है लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा होगा कि अगर आपने ये बोला कि ये क्यू है तो इंडक्टर में, कंडक्टर में तो ये माइनस क्यू हो ही जाता है इक्वल एंड ऑपोजिट, कोई चक्कर ही नहीं है। इंसुलेटर में ये सारा चार्ज थोड़ी ना हो गया क्योंकि ये तो बस उस एटम का नेगेटिव चार्ज जो लेफ्ट की तरफ दिखा था आपको, तो ये अगर क्यू है तो पक्की बात है ये क्यू डैश होगा, और क्यू डैश की वैल्यू क्यू से तो पक्का कम ही होगी, तो कितनी होगी आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। पर यहाँ पर ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कभी भी नहीं होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर, कम होगा, और ऐसे ये कितना होगा प्लस क्यू डैश होगा और ये क्या होगा माइनस क्यू होगा, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक का एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, वो के होगा। देखने में आपको डायग्राम एक जैसे लगेंगे माइनस प्लस लेकिन ऐसा होगा नहीं, इनके मैग्नीट्यूड में फर्क है, ये इंडक्शन है, ये भी बोल सकते हो इंड्यूस चार्जेस है, लेकिन एक्चुअल में ये ड्यू टू पोलराइजेशन ऐसा हुआ। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अभी तक मैंने ये बताया कि कंडक्टर में और इंसुलेटर में के प्रोसेस में क्या फर्क है। कंडक्टर में सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव इधर, बीच में कोई चार्ज नहीं होता, इंसुलेटर में तो फिर भी एटम रहते हैं बीच में, और कॉर्नर कॉर्नर का माइनस प्लस करोगे तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके बराबर कभी भी नहीं रहता। अब कंडक्टर के अंदर ये सिखाया जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर आपने अप्लाई किया वो ई नॉट है, अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाया करता था, और मैं पूछता था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलते थे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर का ऑपोजिट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम होती थी तो कंडक्टर के अंदर नेट ई की वैल्यू क्या हो जाती थी, सेम और जीरो। कंडक्टर के अंदर ई जीरो की एक्सप्लेनेशन ये बताई थी कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम वैल्यू प्रोड्यूस करता है, तो नेट ई अंदर जीरो आ जाता है। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, इंसुलेटर में क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ईपी है, ईपी का मतलब बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, कई बुक्स इसको ईपी लिखती हैं, ईपी का मतलब पोलराइजेशन की वजह से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं यहां पर कितना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट में से क्या माइनस करेंगे, ई पी, और क्योंकि ईपी की वैल्यू ई नॉट से कम है तो ये वैल्यू एटलीस्ट जीरो तो नहीं आने वाली। तो इंसुलेटर के अंदर जब आप एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर ई कभी जीरो नहीं आता, ई कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी शो या रिप्रेजेंट करनी ही पड़ेगी। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? बुक्स इसको ऐसे समझाती हैं, ये देखो ये सपोज करो बुक्स के हिसाब से ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या अप्लाई किया, ई नॉट, ये इंडक्शन हो गई, प्लस एंड माइनस उल्टा उल्टे चार्ज डेवलप हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितना अप्लाई किया था, ई नॉट, पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में था, और अगर ये कंडक्टर है तो इसमें ई नॉट और ई इंड्यूस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और नेट ई की वैल्यू अंदर जीरो है। बट अगर ये इंसुलेटर है, बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई नॉट, अंदर का फील्ड है मैंने ई पी लिखा, इसने ई इंड्यूस भी लिख दिया, एक ही बात है तो वो ई ही। तो और ये भी चीज नोट करो यहां पर बाय इंडक्शन ज्यादा चार्जेस थे लेकिन यहां पर चार्जेस कम है क्योंकि डायलैक्ट्रिक में इंडक्शन तो होती ही नहीं, फ्री चार्ज तो है नहीं, तो यहां पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, तो ई की वैल्यू भी इसमें कम होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डायलैक्ट्रिक के बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया पर इनसाइड की जो वैल्यू है ई इंड्यूस्ड है और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू इसमें ई नॉट से क्या आएगी, कम आएगी। पर आप ये नहीं बोल सकते कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसमें जीरो होगा, कुछ ना कुछ तो फिर भी आएगा आएगा, और क्या आएगा, ई नॉट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ई इंड्यूस्ड। तो मैंने साइड पे लिख दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो हो जाता है, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं होता। तो ये इसका बिहेवियर है डाइलेक्ट्रिक का, यहीं से कहानी आगे।